हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टाइम स्टडी। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट सेकंड है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो है इसका मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उसमें सिर्फ रिवर्स के रिलेटेड था, इसमें लेक्स के रिलेटेड होगा। सो ये सिर्फ एमसीक्यूज होंगे इसमें वीडियोज़ में, और भी मैं ऑप्शन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ की और भी बहुत सारी वीडियोस चाहते हैं, तो इस पार्ट टाइम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं और भी पीडीएफ्स जो अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी नोट्स होंगे वो मैं वहाँ पर सेंड करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा वहाँ पर। और भी एसआई के रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा तो वह मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया? सो ऑप्शन ए है आपके पास कन्वर लेक बिहार, बी चंदूबी लेक आसाम, सी चिल्का लेक उड़ीसा, डी वेम्बनंद लेक केरला। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास चिल्का लेक उड़ीसा। सो नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? ऑप्शन ए वेम्बनंद लेक केरला में, या मनीष महेश लेक हिमाचल प्रदेश में, या बदखल लेक हरियाणा में, या द डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए वेम्बनंद लेक केरला में। ठीक, सो विच इज़ द हाइस्ट लेक इन इंडिया? आपको बताना है इंडिया की सबसे हाइस्ट लेक कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए है आपके पास चोलामू लेक सिक्किम, बी लोखाटा लेक गुजरात, सी थोल लेक गुजरात, या डी बिरुगु लेक हिमाचल प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास चोमू लेक सिक्किम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ प्रेजेंट इन मेघालय? इनमें से कौन सी लेक जो है मेघालय में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए आपके पास तलाव पाली, बी उपवम लेक, सी वेना लेक, डी उमम लेक। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास उमम लेक। सो बाकी जो है तलाव पाली लेक, वेना लेक या उपवम लेक, सो ये तीनों जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सी लेक जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए आपके पास शाहपुर लेक, गोरेवादा लेक, खिंसी लेक, लोनार लेक। सो इसका करेक्ट आंसर है शाहपुर लेक। इन विच स्टेट इज़ लोकटक द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रेजेंट? सो ऑप्शन ए आपके पास मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह जो है लोकटक लेक जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट लेक है वो प्रेजेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास मणिपुर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में इनमें से कौन सी लेक जो है प्रेजेंट है। ऑप्शन ए आपके पास विरनाम लेक, अमाखेरा लेक, बारू सागर ताल या बले सागर लेक। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास विरनाम लेक। सो बाले सागर और बरू सागर लेक ये दोनों कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट, रोपर लेक इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए आपके पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास पंजाब। सो बाकी आपको कुछ यूपी की जो इम्पोर्टेंट लेक्स वो मैंने आपको बता दी। सो नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? ऑप्शन ए आपके पास वुलर लेक कश्मीर, अपर लेक एमपी, चिल्का लेक उड़ीसा या वेबनंद लेक केरला। सो इसका करेक्ट आंसर मेंशन है वैसे अपर लेक मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर रिजर्वायर आर बिल्ट ऑन विच रिवर? ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर रिजर्वायर जो है इनमें से कौन से रिवर पर बिल्ट है। ऑप्शन ए आपके पास नर्मदा, बी चंबल, सी कोसी या घाघरा। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास चंबल, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज वेबनंद लेक लोकेटेड? सो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन ए आपके पास उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी कर्नाटका। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केरला। नेक्स्ट, लोनार लेक इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। उसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस साल्ट वाटर लेक सांबर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए आपके पास गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ वुलर लोकेटेड इन विच स्टेट?
आपको बताना है कि इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो इंडिया है, हालांकि इंडिया की नहीं एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है लेक है ये, तो इसमें से कौन सी स्टेट में ये प्रेजेंट है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट, द फेमस लगून इज़ लोकेटेड इन चिल लेक चिल्का इन विच स्टेट? सो अगर आप चिल्का लेक के बारे में पता है आपको तो आप इसका आंसर इजली दे सकते हो। ऑप्शन ए आपके पास वेस्ट बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट, उमियम लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेघालय। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कोलेरू लेक? ठीक, सबसे पहले क्या ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है ये, कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी है ये एसोसिएटेड है कृष्णा और गोदावरी रिवर में, या इट्स सरफेस एरिया इज़ 245 स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ये उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में, महाराणा प्रताप सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में, बदखल लेक जो है हरियाणा में, या सोमरारी लेक जो है नागालैंड में। आपको बताना है इसमें से करेक्टली कौन सा मैच नहीं कर रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोमरारी लेक। ये है कहाँ पे? ये लद्दाख में चांगथांग प्लेटू पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वुलर लेक? वुलर लेक के बारे में आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए इट बिलोंग्स टू इंडस रिवर, बी इट्स फ्रेश वाटर लेक, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, डी इट्स सरफेस एरिया इज स्प्रेड इन रेंज ऑफ 22-360 स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट्स बिलोंग्स टू इंडस रिवर। सो ये इंडस रिवर पे बिलोंग नहीं करते, कहाँ पे बिलोंग करते? जेलम रिवर पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकटक लेक? ऑप्शन ए इट इज़ इन मिजोरम स्टेट, बी इट इज़ ए साल्ट वाटर लेक, डी इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, डी इट्स सरफेस एरिया इज 2587 किलोमीटर स्क्वायर। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की, लोकटक लेक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पुष्कर लेक? सो ऑप्शन ए इट इज़ इन राजस्थान स्टेट, ऑप्शन बी इट इज़ अ नेचुरल लेक, ऑप्शन डी इट्स बिलोंग्स टू लूनी रिवर, ऑप्शन डी इट्स सरफेस एरिया इज 22 स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या है? नेचुरल लेक है। ठीक है, ये नेचुरल लेक एक्चुअल में नहीं है। सो विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए वूलर लेक, बी चिल्का लेक, फॉल्क लोअर लेक, ऑप्शन डी पुष्कर लेक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वूलर लेक। सो नेक्स्ट, वेयर इज डल लेक? ऑप्शन ए आपके पास राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी उड़ीसा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली? ऑप्शन ए आपके पास चिल्का जो है आंध्र प्रदेश में, वेबनन लेक तमिलनाडु में, पिराचू लेक तिब्बत में, लोनार लेक मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन सी पिराचू लेक जो है तिब्बत में, तो ये करेक्टली मैच है। बाकी जो है आपको सभी लेक्स चिल्का लेक, वेबिनंद लेक, लोनार लेक, ये सभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ तिब्बत? सो ऑप्शन ए आपके पास कोकोनूर लेक, परीचू लेक, कोलेरू लेक, या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है कोकोनूर लेक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए है आपके पुलिकट, चिल्का, वूलर, या वेबिनंद। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा वूलर लेक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? तो ये ऑप्शन ए आपके पास साबर लेक इज यूज फॉर साल्ट प्रोडक्शन, वेबनंद लेक इज़ द लगून लेक इन केरला, अच्छा परीचू लेक वाज क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करके जाओ और कमेंट करके आप हमें बता सकते हो किसी टॉपिक के रिलेटेड। अगर आपको MCQs चाहिए मैं उस टॉपिक के रिलेटेड बनाऊंगा। सो नेक्स्ट और भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज को लाइक कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।